नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंगलवार को उदयपुर दौरे पर पहुंचे। उन्होंने मावली क्षेत्र में राहत कैंप का निरीक्षण किया। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जैसे कोरोना महामारी में अच्छे काम के दम पर केरल सरकार रिपीट हुई है, वैसे भी हमने भी कोरोना में बेहतर प्रबंधन किया है, हमारी सरकार भी रिपीट होगी, चाहे अमित शाह आए या फिर मोदी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंगलवार को उदयपुर दौरे पर आए सीएम गहलोत ने कहा कि कोरोना के समय मुंबई दिल्ली में विकट स्थिति बनी, अहमदाबाद में गाड़ियों के अंदर ड्रिप लग रही थी, इलाहाबाद में कितने लोग मर गए, लाशें गंगाजी में तैरती देखी गई, जबकि उस समय बाहरी राज्यों से राजस्थान में लोगों को रेफर किया जा रहा था। सीएम गहलोत बोले, सबसे पहले मैंने ही मोदी जी को कोरोना वैक्सीन फ्री करने के लिए कहा था, वे तब नहीं माने थे, बाद में इनको फ्री करनी ही पड़ी। गहलोत बोले, आम जनता में यह बात फैल गई है कि सरकार रिपीट होगी, हम भारी बहुमत से जीतेंगे, हमने हेल्थ के अलावा नौकरी और महंगाई पर भी काम किया है। उन्होंने कहा कि 2030 तक राजस्थान को नंबर वन बनाने की बात कही। मेवाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से एक दिन पहले मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी उदयपुर पहुंचे। सुबह करीब 10 बजे राहुल गांधी के डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें रिसीव किया। उनके साथ पीसीसी अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और उदयपुर प्रभारी मंत्री रामलाल जाट भी मौजूद थे। राहुल गांधी एयरपोर्ट से सिरोही जिले के माउंट आबू के लिए रवाना हो गए हैं। वे यहां स्वामी नारायण धर्मशाला में चल रहे सर्वोदय संगम शिविर में भाग लेने पहुंचे। यहां से भाग लेने के बाद शाम करीब 5 बजे वे उदयपुर पहुंचे। यहां से विमान से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 10 मई को राजसमंद जिले के नाथद्वारा में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा होगी। यात्रा को देखते हुए कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए जा रहे हैं। एसपीजी के अत्याधुनिक हथियारों से लैस कमांडो भेजे गए हैं। साथ ही विमान में काफिले की गाड़ियां उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुकी हैं, जिनमें 4 आर्मर्ड गाड़ियां और 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल हैं।